झांसी के चिरगांव में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही मीट की अवैध रूप से संचालित हो रही दुकानों को बंद कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि चिरगांव थाना प्रभारी और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी की संयुक्त टीम ने छापेमार अभियान चलाया, जिसमें अवैध तरीके से चल रही मांस की दुकानों को बंद करवाया गया। साथ ही मूर्ति विसर्जन दशहरे के मौके पर होने वाली मूर्ति विसर्जन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए बेतवा नहर का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। चारों तरफ बैरिकेटिंग का इंतजाम किया जाएगा और नहर की सीढ़ियों पर जमा कूड़े को हटवाकर साफ सफाई की जाएगी। नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाएगी ताकि लोगों के फिसलने की संभावना न हो। चिरगांव पुलिस टीम व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था। सर आज नमी है नवरात्रि की, आप लोगों ने आज जो कार्यवाही की है मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए, क्या हुआ? मीट दुकानें वैसे भी दशहरा और दुर्गा पूजा को देखते हुए पहले से ही बंद चल रही हैं जी, क्योंकि उसमें कुछ शिकायतें आई है और पहले भी शिकायतें आई थी। तो ये छानबीन किया गया तो इन्होंने, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है बिक्री का, तो वैसे भी अवैध है, इसलिए इसको देखिए। सर लगभग कितनी दुकानें सीज की हैं? पाँच दुकानें हैं। तो क्या इनको सीज किया गया? सीज कर दिया गया। कब तक के लिए सर? मतलब कि भाई करो जब तक कि अपना कोई व्यवस्था न कर ले, ना लाइसेंस ले ले, बिक्री का लाइसेंस इनके पास है भी नहीं। विसर्जन को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? विसर्जन के लिए कल दशहरा है, तो विसर्जन को लेकर जो भी घाटों की साफ सफाई है और मौके पर हम लोग आए हुए हैं, सत्तू साहब हैं चिरगांव, और मैं सभी टीम द्वारा साफ सफाई यहाँ देखी जा रही घाटों की, और लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, यही सब है, और पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी यहाँ पे। अच्छा सर, अभी देखा जा रहा है कि जैसे नगर में कई जगह मतलब अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। सर विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या प्रबंध है? ये सबसे साफ द्वारा क्यूआरटी टीम होती है, क्यूआरटी टीम भी लगी है, साथ साथ हमारे कर्मचारी भी रहेंगे, किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई समस्या न आए तो कर्मचारी भी रहेंगे। पानी में नदी के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्या है कि कोई नदी के अंदर कोई जाने नहीं जाके जल में कोई नहीं जाने पाएगा, विसर्जन होगा बस करके जो भी ऊपर टीम है वही करेगी, गोताखोर भी है। ठीक है सर। सर ये जो नदी पर विसर्जन होगा इसकी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? नदी में रस्से से बैरिकेटिंग कर दी जाएगी जी, और कुछ जो भी आपके ट्यूब होते हैं और गोताखोर भी। ठीक है सर।